सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के अटरा ग्राम पंचायत के आसपास गांवों के किसानों ने बिजली की ठीक से सप्लाई नहीं मिलने से दतिया सेवड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया है। रविवार सुबह करीब एक दर्जन गांवों के किसानों की भीड़ माता मंदिर पर एकजुट हुई। किसानों के आंदोलन में सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह से भी शामिल हुए और किसानों की बिजली कटौती की समस्या को सुना। किसानों ने विधायक को बिजली नहीं मिलने की समस्या विधायक घनश्याम सिंह के सामने रखी। किसानों के आंदोलन की जानकारी मिलते ही भगवापुरा विद्युत सब स्टेशन के सुपरवाइजर नीरज यादव भी मौके पर पहुंच गए। किसानों ने विधायक और उपेंद्र विद्युत को मिलकर एक ही बात रखी कि किसानों को 8 से 10 घंटे बिजली की सप्लाई की जाए। अगर टाइम पर बिजली नहीं मिली तो हम सब लोग मिलकर 33 KV के जो पोल लगे हुए उनको उखाड़ कर नीचे गिराएंगे। किसानों द्वारा कई बार शिकायत करने पर बिजली अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। आक्रोशित किसानों ने बिजली सुपरवाइजर नीरज यादव को विद्युत सुधार के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। बिजली नहीं मिलने से अगर हमारी खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई तो हम सब किसान मिलकर बिजली लाइन को भी बर्बाद कर देंगे। आंदोलन कर रहे किसानों ने विद्युत अधिकारियों से कहा कि हम किसानों पर अगर बिजली का बिल बकाया हो तो बताओ, हम बकाया बिजली का बिल अभी जमा कर सकते हैं। जब कोई बिल बकाया नहीं है तो फिर हमारे फीटर की बिजली क्यों काट दी जाती है? क्षेत्र का किसान समय समय पर पूरा बिल जमा करते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि हमारी फसल क्यों बर्बाद हो रही है। किसानों की बात सुनते हुए सुपरवाइजर नीरज कुमार यादव ने कहा कि भगवानपुरा क्षेत्र के लोग दबंग टाइप के हैं, वे इन ग्रामीणों के क्षेत्र का फीटर काट देते हैं, रोकने पर लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस में रिपोर्ट करने जाओ तो थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने तुरंत SP दतिया को फ़ोन लगाया है और पुलिस को बिजली सुपरवाइजर के सहयोग किए जाने की मांग की है। बिजली विभाग के जिला अधिकारियों ने विधायक को आश्वासन दिया है कि अटरा क्षेत्र के किसान 8 घंटे के हिसाब से बिजली मिलेगी, तब कहीं ग्रामीणों का आक्रोश कम हुआ और चक्का जाम हटाया गया। गांव के लोगों का कहना है कि 2 में है ऑलरेडी, तो उसको 2 जगह पे करेंगे और 8-8 घंटा देंगे लाइन। ये हाँ 8 घंटे के लिए तैयार है गांव के लोग, कोई मना नहीं कर रहे हैं। आप 8 घंटे कर बस एक इनका ये कहना है कि जब भी इधर हमारी लाइन चलती है तो भगवापुरा वाले परमिट लेके और जोड़ा जारी कर लेते हैं, काट देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें हाँ एक तो उनको ये भी आशंका है कि स्टाफ इन्वॉल्व रहता है। दूसरी चीज ये है कि वो लोग दादागिरी करते हैं। दादागिरी की जहाँ तक बात है, मैंने अभी बात SP साहब से की, अभी सबके सामने SP साहब ने तुरंत SDOP से को निर्देश दिए। SDOP का भी फोन मेरे पास आया। SDOP कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं थाने में कि कोई, मैंने इनसे ये कहा कि गांव का कोई भी आदमी इनके प्रतिष्ठान में ना जाए, बिजली के जब ट्रांसफॉर्मर रखें।